प्रजापति। हम आपके सामने हमारे सिविल ब्रांच के साइंस एग्जीबिशन में जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है सर्कुलर रनवे, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बारे में बताएंगे हमारे दोस्त प्रजापति। हेलो गाइस, हम आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं सर्कुलर रनवे। आजकल जिस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर देखा जाता है कि काफ़ी सारे एयर ट्रैफिक्स की प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम सर्कुलर रनवे की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। उस आगे हमारे दोस्त पदम कुमार नागर बताएंगे आप। हाय गाइस, सर्कुलर रनवे एक नया आधुनिक मॉडल है जो कि अभी तक बना नहीं है, इसके बारे में सोचा जा रहा है। इस रनवे की खासियत यह है, जो ऑर्डिनरी रनवे होता है ये इसका एरिया ऑर्डिनरी रनवे से लगभग 3 गुना कम होता है, क्योंकि ऑर्डिनरी रनवे के दो रनवे के बीच की डिस्टेंस लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर होती है, लेकिन इसमें ओवरऑल इसका डायामीटर जो है वो 3.5 किलोमीटर का है, जो कि उससे काफ़ी कम होता है। और इसमें रनवे में सुपर एलिवेशन दिया होता है, जैसा कि थोड़ा इसमें सही ये एक मॉडल है इसलिए इसमें सही से नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें सुपर एलिवेशन दिया होगा, इससे टेक ऑफ और लैंडिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सब सुपर एलिवेशन की वजह से कवर हो जाएगा। और ये इसके टर्मिनल्स हैं, ये इसका टैक्सी वे, जब एयरपोर्ट लैंड होगा तो टैक्सी वे के जरिए टर्मिनल बिल्डिंग में जाएगा। ऑर्डिनरी रनवे में हमें 5 से 7 साल तक का एयर सर्वे करना पड़ता है, जो कि बहुत एक लंबा प्रोसेस है। इस रनवे में इसकी कोई हेडेक नहीं है, क्योंकि ये 360 डिग्री रनवे है। इसमें लैंडिंग और टेकऑफ के लिए मेन प्रॉब्लम होती है हेडविंड। इस रनवे में जिस साइड से हेडविंड होगी उस साइड को हम कंसिडर करके वहाँ से लैंडिंग कर सकते हैं, और ये फिक्स नहीं है लैंडिंग एक ही जगह होगी, लैंडिंग किसी भी जगह हो सकती है। और इसके बारे में और बताइए विनोद प्रजापति। इस सर्कुलर रनवे का एक बेनिफिट और है, जिस तरह से हमारे दोस्त नवीन ने बताया कि जो एयर ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस सर्कुलर रनवे के हम एक साथ इस रनवे पे 3 प्लेन लैंड भी करा सकते हैं और 3 प्लेन टेक ऑफ भी हो सकते हैं एक ही टाइम पे। तो इसका ये बेनिफिट है जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है।